आज दिन हमारे हालू बाज़ार, पुरानी अनाज मंडी, सराफा मार्केट, इन सारों ने आज जो हमारे संसद के चुनाव चल रहे हैं उनके हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी के प्रत्याशी श्री धर्मवीर जी को सम्मान के लिए बुलाया था, जिसके अंदर हमारे बाज़ार के, सराफा बाज़ार के, व्यापारी बाज़ार के, बराबर में राजपूत समाज, पंजाबी समाज, शरणकार समाज, अग्रवाल समाज, सभी समाज के प्रतिनिधि हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे और सभी ने तहे दिल से चौधरी धर्मवीर जी का स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के हमें हाथ मजबूत करने के लिए आपको भी आगे ले रहे हैं। आज देश में नरेंद्र मोदी जैसे नेता की, प्रधानमंत्री की विशेष ज़रूरत है और आज ये सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव है, सिर्फ धर्मवीर को नहीं, हम सीधा नरेंद्र मोदी को ये वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जो सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव कहलाता है, इसीलिए हमने धर्मवीर जी को बुलाकर यहाँ स्वागत किया, उन्हें आश्वासन दिया कि हमारा पूरा इलाका तहे दिल से आपके साथ रहेगा और फूल पर मोहर लगा करके आपके प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाएगा। ये पहला ऐसा चुनाव है जो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। अब से पहले जितने चुनाव होते थे उन चुनाव में हम किसी की सरकार बनाने के लिए या किसी की सरकार को हराने के लिए वोट देते थे, लेकिन देश का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारा देश ये चाहता है कि इस देश की बागडोर कम से कम 10 साल तक नरेंद्र मोदी के और हाथ में रहे, क्योंकि किसी देश का मजबूत नेतृत्व होता है तो वो देश आगे बढ़ता है, उसकी सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं, और कमजोर अगर नेतृत्व होगा तो ये मान के चलिए वहां समस्याएं अपने आप पैदा होंगी। आप हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद का समय देखिए, बीच में कुछ ऐसा समय आया, मिली जुली सरकारों का दौर चला और मिली जुली सरकारों का मतलब है कि मजबूर सरकारों का, जब बहुमत नहीं होता तो सपोर्ट करने वाले छोटी छोटी पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री को बेबस कर देती थी और उस बेबस की वजह से जिस प्रकार से घोटाले अपने देश में हुए लाखों करोड़ रुपए की, और ये सबको पता है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली केवल एक बात कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि सारा पैसा बड़े बड़े हाउसेज के पास, बड़े बड़े मंत्रियों के पास, और समय था वो लोग जब मंत्री बन जाते तो ये कहते थे जी मुझे ये महकमा नहीं चाहिए, मुझे तो माल पानी का महकमा चाहिए। पूरा व्यापार आपके साथ है और आपके साथ तन मन धन से आपको विजयी बनाएगा। धन्यवाद। ये नायक ने नहीं भाई लड्डू लेकर के जाए और मीठा मुंह करके जाए। सभी काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ उनका भी।